Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड, हेलो एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स बीम की प्रॉब्लम के बारे में। इस वीडियो में हम फिक्स बीम का SFOBM ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फिक्स बीम है जिसके दोनों एंड फिक्स्ड है। उस पर लेफ्ट हैंड से 4 मीटर दूरी पर UDL 5 किलो न्यूटन मीटर की रेट से लगा हुआ है। इसको हम सोल्व करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप हम अज्यूम करेंगे इस बीम को। हम अज्यूम बीम इन सिंपली सपोर्टेड, इस बीम को हम सिंपली सपोर्टेड अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पर टोटल लोड निकालते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन बराबर अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन पर दो लोड लग रहे हैं, आर ए प्लस में आर बी। तो आर ए प्लस में आर बी बराबर होंगे हमारा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसके बराबर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 किलो न्यूटन मीटर से UDL लग रहा है 4 मीटर डिस्टेंस पर। तो 5 × 4 करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 5 × 4 बराबर में 20। तो आर ए प्लस में आर बी बराबर में 20 मोमेंट ऑफ बी पॉइंट। अब हमें आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपसे। तो हम आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम मोमेंट लेंगे बी पॉइंट पर। तो मोमेंट लेंगे बी पॉइंट पर, तो आर ए इंटू में डिस्टेंस है 4 × 3 यानी 7। यू डी एल है तो 5 × 4 टोटल लोड हो जाएगा 20। और यू डी एल का पता है हमें सी जी कहाँ होती है, हाफ पर, तो ये होगी 2 यानी 4 का आधा 2, 2 + 3 बराबर 5, 20 × 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर ए की वैल्यू हमारी निकल के आई थी, यहाँ पर आर ए की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 14.29। आर ए प्लस आर बी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 20 है। इस प्रकार हम यहाँ से आर बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। आर बी की वैल्यू निकल के आई थी हमारी 5.71। इसी प्रकार सिंपली सपोर्टेड अज्यूम करते हुए इसमें हम बी एम डी कैलकुलेशन भी कर लेंगे सिंपली सपोर्टेड की। तो हमें पता है सिंपली सपोर्टेड में जो एंड होते हैं वहाँ पर मूवमेंट जीरो होता है, एम ए बराबर जीरो, एम बी बराबर में जीरो। तो हम एक पॉइंट है हमारा यू डी एल का जो एंड होता है वहाँ पर सी पॉइंट मान रखा है, तो वहाँ पर हम इसको वहाँ पर हम इसका मूवमेंट ज्ञात करेंगे। तो मूवमेंट वहाँ पे ज्ञात करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सी पर मूवमेंट ज्ञात करना हमें, आर ए से ज्ञात करना या आर बी से। तो आर ए इंटू में 4 - UDL 5 × 4 × 2, 2 कहाँ से आया, 2 हमें पता है यू डी एल की सी जी होती है वो हाफ पर होती है। तो सी से यू डी एल की जो सी जी है उसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो यहाँ से एम सी निकल के आया हमारा 17.16। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड स्टेप है हमारा, जो हमारा फिक्स सिरा है वहाँ उस पर मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो दैट हम जानते हैं ए डैश बराबर माइनस ए, ए डैश बराबर माइनस ए। यहाँ पर ए डैश क्या है, ए डैश का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला वो होता है एल बटा टू एम ए प्लस में एम बी। इसी प्रकार हम अब इसमें ए हम फाइंड आउट करने हैं, तो ए क्या होता है, एरिया, जो हमने मूवमेंट जो हमने सिंपली सपोर्टेड का बेंडिंग मूवमेंट बनाया है ना उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये हमने सिंपली सपोर्टेड का बनाया हुआ है, पर इसमें मैंने मूवमेंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी इसमें शो कर दिए। तो ये पैराबोला और ये इंक्लाइन, तो हमें पैराबोला यू डी एल आ जाता है, हम उसका समाकलन करेंगे। समाकलन की रेट क्या होगी, 0 से 4 मीटर डिस्टेंस तक, 0 से 4 मीटर डिस्टेंस तक इसकी लिमिट हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आर ए इंटू, हम यहाँ पर कोई सेक्शन मान लेते हैं एक्स, तो आर ए इंटू एक्स माइनस, ये अपवर डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको प्लस ले लेंगे, यू डी एल डाउनवर डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस ले लेंगे। तो माइनस 5 × एक्स, पूरी डिस्टेंस नहीं लेंगे हम क्योंकि हम एक्स डिस्टेंस पर इसका सेक्शन काटा हुआ है। तो 5 × एक्स इंटू एक्स बटा टू क्या है, इसकी सी जी। इसके बाद यहाँ तक हमने इसका एरिया निकाल लिया है। अब ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू हाइट। तो 1/2 आधार इसमें क्या होगा, 3 मीटर हाइट होगी यहाँ से जो हमने कैलकुलेट की हुई है, ये बेंडिंग मोमेंट 17.16, ये इसका हाइट हो गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसका हम समाकलन करेंगे, तो आर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 14.29। तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू हम रख दिए 14.29 इंटू एक्स माइनस 5x² / 2। तो हम इसका समाकलन करेंगे, समाकलन 0 से 4 इसकी लिमिट हो जाती है, 4.29 इंटू x² / 2 माइनस 5x³/3/6। ये इसका समाकलन करा, समाकलन क्या होता है वो फॉर्मूला एक्स, एक्स का समाकलन, एक्स एन का समाकलन करेंगे तो एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। इसके फॉर्मूले से इसका समाकलन करा, ये हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया 25.74। इसके बाद हमने इसको इसमें लिमिट रखेंगे, हम जो इसमें जो सबसे ज़्यादा लिमिट रहेंगे उसको रखेंगे 4। तो यहाँ पर 4 हम लिमिट रख देते हैं, तो 14.29 × 4² / 2 माइनस 5 × 4³/6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया, टोटल एरिया निकल के आएगा 86.73। इसके बाद हम जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ए डैश एल अपॉन में 2 एम ए प्लस में एम बी, तो ये हम एल का वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू हमारे 7 है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू निकल गया एम ए प्लस में एम बी बराबर माइनस 24.78। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन है ए डैश एक्स बराबर में माइनस ए एक्स बार, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ए एक्स बार, ए डैश एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है
एल स्क्वायर अपॉन 6 एम ए प्लस में 2 एम बी। तो एल माइनस ए एक्स बार, इसको हम सॉल्व करते हैं। ए एक्स बार का निकालेंगे, वही हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट के बाद उसको सीधी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं यू डी एल का बता चुका हूँ आपको एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, उसी प्रकार से इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसकी सी जी है एक्स, इसकी सी जी होगी एक्स पर। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 14.29 इंटू एक्स स्क्वायर, जो एक्स बार था उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब अपॉन में 2 डी एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 14.29 इंटू एक्स की क्यूब अपॉन में 3 माइनस 5 एक्स की पावर 4 अपॉन में 8। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लिया। फिर हमारा आ जाएगा ट्रायंगल, प्लस के एरिया को इसमें जोड़ते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसमें 3 होगा, हाइट इसमें होगी 17.16, और 4+3 अपॉन 3, ये कैसे आया। अब हम देखते हैं इस पर, तो देखो ये होगी डिस्टेंस हमारी 4। अब इसका जो ट्राइंगल है इसका क्या होता है, एल अपॉन में 3, इसकी सीजी क्या होती है एल बटा 3 पर। तो एल इसकी क्या है 3, तो 3/3 कर दिया। तो इस प्रकार हमारी ये सीजी निकल के आ गई ट्राइंगल की। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आया था, ये हमारे पास ए एक्स बार कैलकुलेट होकर आया था 273.32 आया था। अब इसके बाद हम ए डैश एक्स को कैलकुलेट करेंगे। ए डैश एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 6 एम ए प्लस में 2 एम बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्योंकि हम जहाँ से हम सी जी लेते हैं उसको हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो हम ए से सी जी ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, प्लस 2 एम बी। यदि हम यहाँ से बी से सी जी लेते हैं तो इस फॉर्मूले में हम 2 एम ए प्लस में एम बी करते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद एल स्क्वायर अपॉन में 6 एम ए प्लस में 2 एम बी बराबर हमारा निकल के आया था 273.320। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगी एम ए प्लस में 2 एम बी बराबर -33.46, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करने के बाद हम यहाँ से एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एम बी की वैल्यू निकल के आएगी हमारे 8.68, जो किसकी माइनस की। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखकर एम ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। एम ए की वैल्यू कैलकुलेट होगी हमारी -16.04। ये हमारी मूवमेंट दोनों माइनस में आएगा, तो इसका मतलब एक क्लॉक वाइज और एक एंटी क्लॉक वाइज। इसका हम थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। एम एम बी की वैल्यू यानी स्टेप नंबर 2 हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारा ध्यान करेंगे रिएक्शन मूवमेंट ऑफ ठीक सपोर्ट। जब हमारा मूवमेंट सपोर्ट पर होगा तो आर ए आर बी की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि हमने सिंपली सपोर्टेड अज्यूम करके वो आर ए आर बी की वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ पर हम ऐसे करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। एक मैं आपको बताता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि ये हमारी बीम है, इसमें इस प्रकार तो एम ए और ये एम बी, ये यू डी एल लोड लगा हुआ है 5 kN से। इस सपोर्ट पर हम मूवमेंट लेंगे। पहले लेते हैं आर बी, आर बी लोड इस प्रकार लगा हुआ है तो ये बीम को ऐसे घुमाएगा। तो ये कौन सी होगी डायरेक्शन में एंटी क्लॉक वाइज, कौन सी होगी एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज में हम आर बी इंटू 7 लिख देंगे, ये हमने एंटी क्लॉक वाइज में आर बी इंटू 7। अब ये कौन सी डायरेक्शन, ये भी एम ए की एंटी क्लॉक वाइज प्लस में एम ए लिख दिया। अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूवमेंट किस पर ले रहे हैं, ए पे। तो ये है, तो ये इस बीम को इस प्रकार डायरेक्ट इस प्रकार घुमाने की कोशिश करेगा ये लोड। तो ये कौन सी हो गई, ये हमारी क्लॉक वाइज। तो इस प्रकार मैंने ये सॉल्व किया हुआ है एम बी प्लस में 5×4×4 वही है टोटल लोड यू डी एल का इंटू उसकी सी जी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास सारी वैल्यू है, हमारे पास एम बी की निकाली, हमने एम ए की निकाली है, और आर ए और आर बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दी है। तो आर बी की वैल्यू हमारे यहाँ से कैलकुलेट करने पर 4.66 kN, आर ए की वैल्यू 15.34 kN निकल के आई थी। इसी से हम एस एफ कैलकुलेशन करेंगे। एस एफ कैलकुलेशन यहाँ पे हम करेंगे तो एस एफ ए हमारा जो आर ए की वैल्यू है वही आएगी, एस एफ सी हमारी जो 15.34 आर ए की वैल्यू माइनस कर देंगे जो ये लोड लग रहा है -20। तो ये हमारी कैलकुलेट होगा तो -4.66, और एस एफ बी हम क्या करेंगे जो उसका आर बी रिएक्शन आएगा उसमें माइनस का चेंज लगा देंगे। इस प्रकार ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इसका हम एस एफ और बी एम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में ही बना रखा था, आपने ध्यान दिया हो तो। सबसे पहले मैंने सिंपली सपोर्टेड अज्यूम करके जो बी एम डी कैलकुलेट की थी वो बी एम डायग्राम बनाया है। पैराबोला मेरे को पता है, बी एम यदि यू डी एल लोड लग रहा है तो बी एम बी में पैराबोला आया, और कुछ भी नहीं लग रहा तो इंक्लाइन आया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एम ए एम बी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो ये एम बी है, ये एम बी की वैल्यू मेरी आई थी 8.68, और एम ए की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई थी 16.04। तो ये कैलकुलेट होकर आई थी, माइनस में था, तो ये मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ ही बना दिया। तो ये बी फिक्स एंड का मूवमेंट डायग्राम आ गया सपोर्ट का। तो ये इससे ऊपर जितने भी है एरिया है वो पॉजिटिव है, इससे नीचे जितना भी एरिया है वो नेगेटिव है, इसका हमें विशेष ध्यान देना है। तो हमारा ये एरिया पॉजिटिव है, सॉरी गलती हुई, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। ऊपर का ओनली फॉर ये एरिया पॉजिटिव। हम एस एफ कैलकुलेशन की तरफ से एस एफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एस एफ डायग्राम हमने ए पर देखा था 15.34 आया, तो ये आ गया। फिर हमारा बी सी पर देखा था हमने -4.66 आया था, तो इसे -4.66। पैराबोला यू डी एल है तो यू डी एल के लिए हम इंक्लाइन लाइन लेंगे, फिर कुछ नहीं है, स्पेस खाली है, दो
सपोर्टों के बीच में, तो हॉरिजॉन्टल 466 ये हमारा टी सपोर्ट हो गया। इस प्रकार हम इसको ऑर्डर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।